नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधार कार्ड के ऊपर है। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या आपका मोबाइल नंबर खो गया है या फिर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है, ऐसी कंडीशन में आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं न्यू प्रोसेस से आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने आधार कार्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक नया आधार कार्ड मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र ₹50 जो है खर्च करना होगा और आप जो है एक नया आधार कार्ड 1 सप्ताह के अंदर घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है, उसमें आधार कार्ड टाइप करके सर्च करना है। जैसे दोस्तों आधार कार्ड टाइप करके सर्च करेंगे, हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो पहला वाला लिंक है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, हम आधार सर्विस के वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट के लिंक है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे दोस्तों, ऑर्डर आधार रीप्रिंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको अपना डिटेल जो है फिल करना है। इसमें दोस्तों 3 ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यदि आपका आधार कार्ड नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर, या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है तो वर्चुअल आईडी आप फिल करके जो है अपना न्यू आधार कार्ड के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास आधार नंबर है, तो हम आधार नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर एक कैप्चर दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर टाइप करना है। दोस्तों जैसा कि कैपिटल स्मॉल दिया है, वैसे ही हमें यहाँ पर टाइप करना है। यदि कैप्चर ठीक से समझ ना आए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, दोबारा से कैप्चर फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इस बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद हम दोस्तों कोई भी जो अवेलेबल अभी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। तो दोस्तों मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जिस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पर टाइप किया है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप जो है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर दिया है टर्म एंड कंडीशन, उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे सबमिट बटन दिया है, आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वेरीफाई योर आधार डिटेल, यहाँ पर आपका आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ₹50 आपको इसमें खर्च करना होगा, तो यहाँ पर मेक पेमेंट को आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि पेमेंट के लिए आपके पास जो भी सुविधा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, आप अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ ऑप्शन चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से यहाँ पर जो है पेमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड का डिटेल भर देना है। तो दोस्तों हमें डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ फिलअप कर देना है। यहाँ पर जो है आपका 16 डिजिट नंबर, आपका अकाउंट होल्डर का नेम हो गया, CVV नंबर हो गया और एक्सपायरी डेट हो गया। ये सब पूरा डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया हुआ है प्रोसीड, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, हमें फिर से एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेक पेमेंट का, तो हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारा ₹50 जो है डेबिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। दोस्तों ये रिसिप्ट को आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल दिया है और इस रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है। अब हम शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारा ये डाउनलोड वाला रिसिप्ट रहेगा वहाँ पर जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों स्क्रीन में, ये हमारा रिसिप्ट जो है ओपन हो चुका है, आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपना आधार कार्ड को चेक करना चाहते हैं कि जो ट्रांसफर आपके पास हो रहा है उसको चेक करने के लिए आप जो है फिर से बैक आएंगे, तो जैसा कि मैं आपको होम पेज से ही दिखा रहा हूँ, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, क्लिक आधार रिसिप्ट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ फिल करना होगा, जैसे कि SRN नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया और ये कैप्चर, ये टोटल चीज फिल करके आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों, जैसा कि आपका जो आधार कार्ड आपके पास आ रहा है उसकी मतलब जानकारी आप ये चेक स्टेटस से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप न्यू आधार कार्ड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 से 7 दिनों में आपका न्यू आधार कार्ड जो है आपको घर बैठे जो है इस प्रोसेस से मिल जाता है। इसके लिए आपको ओनली ₹50 जो है अपने जिस जो भी सुविधा है उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। तो कहने का मतलब ₹50 में जो है आप 1 सप्ताह के अंदर अपना न्यू आधार कार्ड के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, इसी प्रकार का हम और भी वीडियो पहले से अपलोड करके रखे हुए हैं, एक बार हमारे चैनल को अवश्य विजिट कीजिए। धन्यवाद।